ये ग्रैंड वेडिंग की तस्वीरें किसी और की नहीं, ऑनलाइन सट्टा कारोबारी महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की है। शादी में पानी की तरह करोड़ों रुपया बहाया गया, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर स्टार्स, सिंगर, कॉमेडियन और कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। लेकिन अब इस शादी में परफॉर्म करना इन सेलिब्रिटीज के लिए जी का जंजाल बन गया है। सौरभ चंद्राकर और महादेव बुक ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और अब शादी का वीडियो ईडी के हत्थे चढ़ गया है, जिसके बाद ईडी ने एक के बाद एक सेलेब्स को समन भेजना शुरू कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं ईडी का फंदा किन किन सेलिब्रिटी के गले में फंसा है और क्यों। सबसे पहले आपको बता दें कि ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है। महादेव बुक को ऑनलाइन सट्टे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहा जाता है, जो देश के कई राज्यों के अलावा दुबई और कई देशों में भी फैला है। इसे लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच ईडी के पास है। जांच के दौरान सामने आया है कि कंपनी के प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर की यूएई में शादी हुई थी, जिसमें सेलिब्रिटीज ने परफॉर्म किया था। परफॉर्म करने के लिए इन सेलिब्रिटीज ने अपनी फीस कैश में ली थी। ईडी इसी के कनेक्शन की जांच कर रही है। क्या हवाला के जरिए इस पैसे को यूएई से भारत लाया गया था, इस बारे में ईडी की जांच जारी है, जिसके बाद शादी में शामिल हुए बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम ईडी के रडार पर है। ईडी ने महादेव बुक ऐप मामले में सेलेब्स को समन भेजना शुरू कर दिया है। सबसे पहले ईडी ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया। अब चार और सेलिब्रिटीज को समन भेजने की बात सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और एक्ट्रेस हीना खान को समन जारी किया है। सभी को पेश होकर अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि फिलहाल ईडी ने इन सेलेब्स को केवल पूछताछ के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि पूछताछ में ईडी उनसे शादी में शामिल होने, परफॉर्म करने और पेमेंट को लेकर सवाल कर सकती है। माना जा रहा है कि ईडी इसके बाद भी शादी में शामिल हुए और भी सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। यहां आपको बता दें कि रणबीर कपूर की लीगल टीम ने ईडी से संपर्क कर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। हालांकि ईडी की जांच लगातार जारी है।